वेलकम टू अश्वीस कुकिंग रूम। आज हम बना रहे हैं मूंग दाल के दही बड़े। बहुत ही हल्के फुलके, बनाने में भी बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले तैयार करेंगे हम फुलकियों का बैटर। तो ये है मूंग दाल का आटा और वेरी इजीली अवेलेबल है एट एनी स्टोर। और इसके साथ हम मिलाएंगे थोड़ा सा बेसन, साथ में थोड़ा सा नमक। मैं यहाँ पे काला नमक यूज़ कर रही हूँ, आप रेगुलर सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा खाने का कुकिंग सोडा, बस थोड़ा सा हल्का सा ड्राई मिक्स कर लें। और फिर बाद में हम इसको पानी ऐड करेंगे और इसका एक बैटर तैयार करेंगे, जैसे हम नॉर्मली फुलकियों के लिए तैयार करते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें ताकि जो बैटर है बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। As you can see, बस इसी फॉर्म में हमें जो बैटर है वो बस इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए। इन द मीन टाइम यहाँ तेल गर्म हो चुका है और फ्लेम को मैंने एकदम स्लो पे रखा है। अब धीरे धीरे करके हम ऐड करेंगे जो हमने बैटर तैयार करा था, मगर हम करेंगे बहुत ही छोटे से टीस्पून की मदद से, ताकि बहुत छोटी छोटी सी फुलकियाँ तैयार हों। बैटर टिप करने के लिए आप छोटा सा कोई टीस्पून यूज़ कर लें, ताकि इजी भी हो जाए और आपका जो साइज़ होगा वो मोर लेस सिमिलर होगा एंड छोटे छोटे ही तैयार होंगे ये। बस अब सिम फ्लेम पे हमें इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें और ऊपर से अच्छे से एक डार्क गोल्डन कलर इनका हो जाए। As you can see, देखिए कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छे से गोल्डन कलर के हो चुके हैं एंड अंदर से भी ये अच्छे से पक चुके हैं। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और बस इन्हें हमने हल्का सा कूल कर लेना है, ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाएं और इन्हें हल्के से वार्म पानी में हम इनको भिगो लेंगे। तो ये हल्का सा गुनगुना सा पानी रखा हुआ है यहाँ पे बोल में मैंने, तो जो हमने फ्राई की थी फुलकियाँ उनको इनमें अभी हम सोक कर लेंगे। सो यहाँ मैं इन फुलकियों को एक घंटे के लिए सोक करके रख रही हूँ। इतने देर में ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगी अंदर से और थोड़ी सी फूल भी जाएंगी। अब जब तक जो फुलकियाँ हैं वो सोक हो रही हैं, हम यहाँ पे दही बड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ ली हैं साबुत लाल मिर्चें और इन्हें हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। पैन में कुछ ऑयल वॉयल कुछ भी नहीं है, बस इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। अब जैसे इनका कलर चेंज होने लगेगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी काली मिर्चें। तो ये काली मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी हैं और अब इन दोनों को अच्छे से हम भून लेंगे, और तब तक भूनेंगे जब तक जो मिर्चें हैं वो ज़रा अच्छी सी डार्क हो जाएं। ये देखें, अब ये इस तरीके की डार्क हो चुकी है, तो बस अब इसे निकाल लेंगे और अब हम इसे ग्राइंडर में, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसे हम पीस लेंगे। तो ये हमने ग्राइंड कर लिया और ये मसाले को अब हम निकाल लेते हैं एक दूसरे बोल में। अब इस पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा काला नमक और साथ में ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर जो है ये नॉर्मल ज़ीरा है, ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर नहीं है।
सबको अच्छे से मिक्स कर लें और ये हमारा दही बड़ों का मसाला अब रेडी है। इस मसाले को आप स्टोर भी कर सकते हैं, बस एक एयरटाइट कंटेनर में रख लें और रेफ्रिजरेट कर लें। अब इन फुलकियों के लिए हम एक क्रीमी सी दही तैयार करेंगे। तो यहाँ पे लेना है एकदम गाढ़ा वाला दही और इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। उसके बाद में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा क्रीम। साथ ही साथ जाएगा थोड़ा सा नमक और पिसी हुई शक्कर। इसे भी हम अच्छे से विस्क कर लेंगे और ध्यान रखें कि इसमें हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। ये देखिए, हमें इस टाइप का एकदम थिक एंड स्मूथ एंड क्रीमी दही तैयार करना है। सो ये हमारा क्रीमी दही अब रेडी है। अब जो फुलकियाँ हमने पानी में सोक करी थी उन्हें भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये अंदर से अच्छी सॉफ्ट भी हो चुकी हैं और ऊपर से अभी भी क्रंची हैं। तो इनका पानी हम इस तरीके से हल्के हाथों से निचोड़ लेंगे ताकि ये टूटे ना, और फिर इनको अलग रख लेंगे। अब आप अपनी सर्विंग डिश में इन्हें प्लेस कर लें। इन्हें हम दो तरीके से सर्व कर सकते हैं, आप चाहे तो एक डीप डिश पे सर्व करें, चाहे तो प्लेटर में सर्व करें। मैं इस वक्त प्लेटर यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए इन्हें डायरेक्टली इस तरीके से प्लेस कर रही हूँ और जो दही हमने तैयार किया था उसे इस पे पोर कर दूँगी। अगर आप डीप डिश यूज़ कर रहे हैं तो पहले थोड़ा सा दही उसमें निकाल लें, फिर फुलकियों को उस पर सेट करें और फिर बाद में अगेन एक और लेयर दही का उस पर डाल दें। सो वंस आपने सब फुलकियों को प्लेटर में प्लेस कर दिया तो दही को इस पर इस तरीके से पोर कर लें। इन फुलकियों को हमें कम्प्लीटली कवर कर देना है दही से और फिर जो हमने मसाला तैयार किया था उसे इस पर स्प्रिंकल कर लेना है। तो बस दही बड़े तैयार है। अब आप इन्हें फ्रिज में रख दें और बस सर्व करने से थोड़ी देर पहले इन्हें बाहर निकाल लें। चाहे तो थोड़ा सा हरा धनिया भी इस पे छिड़क सकते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही लाइट, बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।